हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुकमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज बहुत ही ऑसम सा वीडियो लेके आई हूं वेट लॉस का। और ये जो दो रेसिपी मैं आज आपको शेयर करने आई हूं, इसका रिजल्ट आपको 12 आवर में ही मिलेगा। ये दोनों रेसिपीज अगर आपने ट्राई की है, वो कैसे लेनी है, क्या लेनी है, मैं आपको बताऊंगी। अल्टरनेट डेज लेनी है, कैसे लेनी, किनको लेनी है, किनको नहीं लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसका इफेक्ट आपको 12 आवर में ही आएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा डाइट करते हैं लेकिन नेक्स्ट डे जब मशीन पे खड़े होते हैं तो उनका वेट बढ़ा ही हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ये वाटर रिटेंशन की वजह से है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इससे वाटर रिटेंशन तुरंत जाएगा, यानी अगर आप मशीन पे खड़े हो गए तो 1 से 2 किलो वजन इंस्टेंट जाएगा। साथ ही साथ बीपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा ये, आपके आपके वाटर रिटेंशन को दूर करेगा। कब्ज की प्रॉब्लम है अगर आपको तो उसको भी बहुत अच्छे से दूर करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फुल ऑफ फाइबर है। तो बहुत अच्छा है अगर आपने इसे लाइफस्टाइल में ऐड किया, आपके हेयर्स, स्किन, वेट लॉस, कब्ज की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, थायराइड, पीसीओडी, इवन पीसीओडी वाले जिनका वजन नहीं घट रहा है या फिर पीरियड्स नहीं आपको रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो इस ड्रिंक से आपके पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे आएगा, आपका वेट लॉस होगा। थायराइड की प्रॉब्लम वालों को हॉर्मोन्स की दिक्कत नहीं होगी, पीसी वालों को भी थायराइड की जो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हुआ है उससे भी आपको 100% छुटकारा मिलेगा। तो ये जो है एक मैजिकल, दो चीज़ें मैं बताऊंगी, एक मैजिकल ड्रिंक आपको बताऊंगी, साथ ही साथ एक मैजिकल टी बताऊंगी। एक वीडियो में दो चीज़ें ऐड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर पर्टिकुलर एक चीज़ को बार बार बताना सही नहीं रहता। तो मैंने सोचा मैं एक चीज़ को इंक्लूड कर लूँ इन सारे में, तो दो एक टी एंड एक ड्रिंक बताऊंगी। तो किस तरह से लेना है वो सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट आएगा। यानी कि अगर आप इसे लेंगे तो आफ्टर 12 आवर ही आपका 1 से 2 किलो वजन तुरंत ही, आपको जब स्केल पे खड़े होंगे तुरंत ही कट डाउन होके दिखेगा। फुल ऑफ फाइबर है, इसलिए कब्ज की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिनकी भी क्योंकि पेट गर्म रहता है वो इस चीज़ को अवॉइड करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल पानी 1 ग्लास में। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे फ्लैक्सीड, एक ध्यान रखिएगा रॉ ही लीजिएगा, रोस्टेड वाले मत। ये कितने क्लीन है कि मुझे इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी अजीब सा है, या फिर आप खुले वाले जो ले आते हैं उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो इसमें बिल्कुल ये क्लीन है। आपको ये लेना है 1 टेबल स्पून, देन इसमें आपको डाल देना है। देन उसके बाद आपको 1 लेमन लेना है, उसके बीज सेपरेट करके आपको इसमें रस डालना है, और इसे आप मॉर्निंग में बना के रख दीजिए 2 घंटे के लिए। मतलब 2 घंटे से कम ना हो, 2 घंटे से ऊपर हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 घंटे से नीचे बिल्कुल भी ना हो, आप इसे बना के रखिए और 2 घंटे बाद आप इसे ऐसे ही कंज्यूम करिए। अगर बीज जाते हैं यानी फ्लैक्सीड मुंह में जाते हैं तो जाने दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ये आपको अल्टरनेट डेज पे लेना है, लेकिन जो अभी मैं टी बताऊंगी वो आपको रोज बिफोर बेड लेनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आप, और हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि हो सके न्यू हर्ब्स का ही ट्राई करिए, बिकॉज ये अनरोस्टेड फॉर्म में है, बिल्कुल भी कोई सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है, रिच इन ओमेगा 3, रिच इन कैल्शियम, रिच इन फाइबर एंड ग्लूटेन फ्री। साथ ही साथ जो लोग भी वेजिटेरियन हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ओमेगा 3 नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, जो कि आपके फिश में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और अगर वेजिटेरियन वाले फ्लैक्स सीड लेंगे तो वो फिश की पूरी कमी को अपनी बॉडी में कर सकेंगे, क्योंकि वेट लॉस के जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें लॉस करते चले जाते हैं अपनी बॉडी में और हमें पता भी नहीं चलती। और अगर फ्लैक्स सीड आपने अपनी चीज़ लाइफ स्टाइल में ऐड किया तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और ये आपको मिलेगा 159 रुपीज़ का, आपको 400 ग्राम मिलेगा जो काफ़ी दिन चलने वाला है। तो ये एक आपको ऐड करना है, और चलिए टी बताती हूँ कि टी कैसे बनानी है। सो टी बनाने के लिए आपको 1.5 कप वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर अभी थोड़ा सा ये जलेगा भी। और इसके बाद आपको 1 टेबल स्पून के लग, पूरा 1 टेबल स्पून भर के आपको जो है फ्लैक्सीड चाहिए। इसे ऐसे ही आप चढ़ा रहने दीजिए, आप इसमें अगर आपकी बॉडी कंज्यूम करती है गरम
अगर आप गर्म चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं तो इसमें एक छोटी सी स्टिक आप दालचीनी की भी डाल दीजिए। तो इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए और इसे स्ट्रेन नहीं करना है, इसे ऐसे ही आपको छानना है। फ्रेंड्स, फ्लैक्सीड अलसी के कुछ और बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज अगर मैं चीज़ बता रही हूँ तो उसके बेनिफिट्स बताना भी मेरा पूरा फर्ज है। और कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर खून के जमने या थक्के बनने से रोकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है, या रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत ही सहायक है, या शरीर से अतिरिक्त वसा को भी कम करता है, जिससे आपका वजन कम होने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं होती, कसाव बनता है, इससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। इवन आप एज भी, आपकी एजिंग भी रुक जाएगी, आप बहुत दिनों तक जवान रहोगे। इसमें अल्फा लाइनोनाइक एसिड पाया जाता है, जो अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज़ और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ख़ास तौर पर ये क्या करता है, कोलोन कैंसर से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन ब्लड में शुगर को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित करता है, इससे शरीर के अतिरिक्त भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य करता है, यानी कि डायबिटिक वाले फ्री होकर इसे ले सकते हैं। इसमें उपस्थित लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है जो फीमेल हॉर्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने बोला ना कि आपके संतुलन, PCOD, थायराइड सबको बहुत ही अच्छे से सही करेगा। और शाकाहारी उन लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब तक मछली को ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत माना गया है, और जिसका सेवन नॉन वेजिटेरियन वाले ही केवल कर। प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अलसी का सेवन पूरी तरह से स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है आपके लिए। इसे पीस कर पानी के साथ भी लिया जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इसे रोस्ट कर लें घर में। कभी भी मार्केट से रोस्ट किया हुआ मत लेके आएँ, घर में रोस्ट करें, वो वीडियो आप जाके देखें कैसे करना है। उसे शामिल करें, अलसी को नियमित रूप से अगर आपने रूटीन में अपने शामिल कर लिया तो कई तरह की बीमारियों से आपकी रक्षा हो सकती, साथ ही साथ जल्दी जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी, यानी कि BP, थायराइड, PCOD, PCOS सबको ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेगा, हॉर्मोन्स बैलेंस करेगा। इवन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी, पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आपको पीरियड्स रेगुलर होंगे, वेट लॉस तो होगा ही होगा, एजिंग जाएगी यानी कि आप बहुत दिनों तक जमा रहेंगे। तो एक बार ट्राई करिए, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आफ्टर 2-3 मिनट आपका ये जो अलसी टी है वो रेडी है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी स्टिक भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। इसे अब आपको स्ट्रेन नहीं करना है, सो आपको इसे स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही आपको इसे गरम गरम लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये पूरे जो है फ्लैक्सीड है ये पूरे आपको लेने हैं, और ये टी आपको रोज़ लेनी है, बिफोर बेड लेनी है, और इसका जो है इंस्टेंट रिजल्ट आपको मॉर्निंग में दिखाई देगा। और पूरा हो सके पूरे महीने लीजिए, और ये जो वाटर है ये आपको अल्टरनेट डेज लेना है। उसके बाद आप इफेक्ट देखिए अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे, अपने हेयर्स पे, नेल्स पे, ऑल ओवर योर सब कुछ, आपके डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका जो लीवर है वो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब सब ऑल ओवर आपका ये वर्क करेगा। तो ये दो चीज़ें लीजिए, और इस प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। रेट तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि 159 रुपीज़ में आपको 400 ग्राम्स मिलेगा। अनरोस्टेड फॉर्म में है और बिल्कुल भी गन्ना जिपर उसमें है, तो आपको जो है कंटेनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको लिया ऐसे ही रख दिया। तो चलिए आगे और सारे बेनिफिट्स की बात करती हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स देखा, ये जो दो चीज़ मैंने बताई है, यानी कि एक ड्रिंक बताया है, एक टी बताई है, दोनों चीज़ें लेना स्टार्ट करिए। कैसे लेना है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इस प्रोडक्ट को जो पर्टिकुलर मैं लेती हूँ, क्योंकि अगर आपने मार्केट से इसे लिया तो वेट लॉस होने की जगह गेन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नमक होता है, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने न्यू हर्ब्स का ये पैकेट खोला तो आपको इसे बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं, गंदगी बिल्कुल साफ चीज़ें हैं। अनरोस्टेड फॉर्म ही लीजिएगा, कभी भी रोस्टेड फॉर्म मत मार्केट से परचेज कीजिएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एंड नए बहुत सारी चीज़ों के साथ।
बाय बाय।